नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि जो अभी तक हमारा दुश्मन बना हुआ था और जो बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा था, अब वो हमको अपना एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बता रहा है, एक एलाई बता रहा है। दरअसल खबर क्या आई है, विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अभी से कुछ 4-5 महीने पहले तक की बात है, मालदीव एक देश है जिसके राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं मोहम्मद मौइज़ू, जो भारत से पता नहीं कैसी उनको एक एलर्जी सी है। वो एक के बाद एक भारत के विरोध में फैसले लेते जा रहे थे। जैसे कि पहले उन्होंने चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा कि भारत के जो भी सैनिक मालदीव में रहते हैं, जो कि 70 से 80 का नंबर है उन सैनिकों का, उनको सबसे पहले हम देश से निकालेंगे, जो कि उन्होंने पहला पार्ट में निकाल भी दिया। अब वो सैनिक इंडिया वापस आ गए हैं, जो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई भारत के सैनिक कब्जा करने के लिए रुके हुए थे या कुछ अलग चीज़ कर रहे थे, बल्कि भारत ने उनको कुछ हेलीकॉप्टर और कुछ ड्रोनियर वहाँ पे दे रखे हैं वहाँ के लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि वो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वो एक टापू से लोगों को ले जा करके उनकी राजधानी माले में ले जा सकें। इसके ऑपरेशन के लिए वो सैनिक वहाँ पर थे, किसी और चीज़ के लिए नहीं थे। तो ये अब हालांकि उसको बदल कर उन सैनिकों को वापस ले आया गया है और वहाँ पे सिविलियंस को दे दिया गया। अब वो सिविलियंस उस हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन वहाँ देख रहे हैं। तो पहला तो इंस्टांस ये लिया। दूसरा, कभी भी राष्ट्रपति मालदीव में चुना जाता है तो सबसे पहले भारत की विजिट करता था अभी तक, लेकिन इस बार वो परंपरा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौइज़ू ने तोड़ दी। वो सबसे पहले इस बार टर्की गए वहाँ पर मिलने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरी अपनी विजिट करी वो चाइना की करी, जो भारत का विरोधी देश है, और इंडिया वो अभी तक नहीं आए। ये दूसरा इंस्टांस था। और तीसरा, उनका जो उन्होंने काम किया वो टर्की से ड्रोन खरीद लिए, और वो ड्रोन कुछ निगरानी करने के लिए खरीद लिए। भारत की जो कोस्ट लाइन है मालदीव के साथ, वो करीब 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस वहाँ पर इन्होंने अपना ड्रोन खरीद लिए। चौथी चीज़ जो इन्होंने करी, चाइना का जो जासूसी जहाज़ था उसको इन्होंने अपने पास खड़ा कर लिया है और अपनी कोस्टलाइन के पास आने की अनुमति दे दी है। तो ये एक के बाद एक इन्होंने भारत विरोधी इंस्टांस लेने शुरू कर दिए थे। और वो अब क्या है कि उसके बाद इन्होंने अपनी एक मीडिया हाउस को अभी इंटरव्यू दिया, जो इनका पहला इंटरव्यू है मीडिया हाउस को प्रॉपर वे में। तो उसमें क्वेश्चन किया गया भारत के बारे में इनसे, तब इन्होंने उस रिपोर्टर से बोला कि भारत हमारा बहुत ही एक मजबूत देश है, दोस्त देश है, वो हमारा एक क्लोजेस्ट एलाई है। एलाई का मतलब एक क्लोजेस्ट दोस्त से होता है, इनका ये कहना है। रीजन भी इन्होंने बताया कि भारत के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो मालदीव में चल रहे हैं, जो मालदीव के भलाई के लिए हैं, आज भी चल रहे हैं। एक उनका बहुत ही बड़ा एक एयरपोर्ट भारत वहाँ बना रहा है, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं। और साथ ही साथ भारत ने इनको पैसे भी दे रखे हैं, कुछ तो पैसा हमने इनको दान के रूप में दिया जिसको ग्रांट बोलते हैं, कुछ पैसा इन्होंने हमसे कर्जे के रूप में लिया है, वो पैसा करीब $400 मिलियन का है, और उसकी अब किस्त आने वाली है पेमेंट करने के लिए, और मालदीव के पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो वो इसलिए भारत को बता रहे हैं क्लोजेस्ट एलाई, और ताकि भारत इनको वो जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसके लिए कुछ समय सीमा और बढ़ा दे, ताकि इनको पैसे बाद में वापस देने पड़े आज से 2-4 साल बाद। ये असली चीज़ है जिसकी वजह से अब ये भारत के आगे नाक रगड़ रहे हैं, अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाई है, क्योंकि भारत ने इनको पैसे दिए हैं, अब इनको पैसे वापस देने पड़ेंगे। और अगर ये चाइना से पैसे यही ले लेंगे तो ये समझ लीजिए चाइना इनकी ज़मीन ले लेगा, इनसे कोई ना कोई इनका जो देश है उसका कोई ना कोई पार्ट ले लेगा, जैसे कि श्रीलंका से चाइना ने ले लिया था उसका हम्बनटोटा जो पोर्ट है बंदरगाह, उसको चाइना ने 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है। पहले उसको कर्जा दिया, जब श्रीलंका कर्जे को वापस नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा ऐसा करो ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये हमको दे दो 99 सालों के लिए। अब 99 सालों के लिए ले लिया, इसका मतलब अब आप खुद ही समझिए कि श्रीलंका जैसे देश से चाइना के पास 99 सालों के लिए कोई चीज़ है, अब वो उसी की होगा ही, ऐसा ही समझ के चलिए। बाकी अब जो भी होगा वो तो खैर 99 साल बाद पता लगेगा। अभी ये समझ लीजिए कि अब सेम चीज़ ये मालदीव के साथ होने लगी है, अब इसीलिए मालदीव को भी लग गया कि भारत की शरण में चलना चाहिए। और दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है इनके झुकाव के वजह से, रीज़न ये झुकाव इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ वहाँ पर अब पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं,
अभी मोहम्मद माजू जो राष्ट्रपति बने हैं, ये वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव थे उसमें ये जीत कर आए हैं, जहाँ इनको 54% वोट मिला और ये राष्ट्रपति बन गए। लेकिन अब वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि वहाँ जो मजलिस है, वहाँ की संसद को मजलिस बोलते हैं, उसका जो चुनाव होगा, अब उसके चुनाव में इनके अपोजिशन वालों के पास अभी इनसे ज़्यादा सीटें हैं, इनके पास तो 16 ही सीटें हैं और जो इनके अपोजिशन हैं उनको 42 सीटें हैं और 18 सीटें हैं, 60 सीटें हैं उन लोगों के पास। तो अब वहाँ पे होने वाले इलेक्शन हो सकता है इस, अब वो भारत के समर्थक है, शोली की पार्टी के पास 42 सीट्स हैं जो कि भारत के समर्थक हैं, तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं इंडिया के लिए, इसलिए ये थोड़ा झुके हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन देखते हैं भारत अब क्या सोचता है इनके बारे में, क्योंकि भारत जब भी कोई पड़ोसी देश, कोई आसपास का देश कमज़ोर होता है, भारत उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा मजबूत होता है वो तुरंत भारत को आँख दिखाना शुरू कर देता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि नेपाल है, श्रीलंका भी एक टाइम वैसे ही था, ऐसे ही मालदीव है, और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इससे कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।